हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल, आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये सब स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आपको एक नोटिफिकेशन आया है यूजीसी की तरफ से, ये ध्यान रखना है। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है फ्रेंड्स, देखो जो एमफिल की बात है, कुछ यूनिवर्सिटीज अभी भी एमफिल करवा रही है, ऐसा लिखा है, वो बिल्कुल आप ना करें, हर स्टूडेंट को बोला गया है। इस लेटर में भी ये बात लिखी है, इधर ट्वीट भी किया है। क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि यूजीसी लेटर रिगार्डिंग द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल डिग्री एज पर क्लोज 14 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, ये ध्यान रखना। और इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022, द यूनिवर्सिटीज अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप एडमिशन टू एमफिल, ये याद रखना। और इसमें लिखा हुआ है एकेडमिक ईयर 2023-24 में कोई भी किसी भी तरह का एमफिल में एडमिशन ना ले अगर कोई यूनिवर्सिटी करा रही है, और जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म भी करें आप, है ना। फर्दर स्टूडेंट आर एडवाइज नॉट टू टेक एडमिशन इन एमफिल प्रोग्राम, ये ध्यान रखना, एमफिल में 2023-24 के अंदर किसी को एडमिशन नहीं लेना है। और यूनिवर्सिटी ने यूजीसी पे आप ट्वीट किया हुआ है, आप उसके ट्विटर पे जाके ट्विटर हैंडल पे देखें, ऑफिशियल लेटर भी निकाल दिया है, प्लीज ध्यान रखें एमफिल में एडमिशन ना लें, स्पष्ट लिख दिया गया है कि द यूनिवर्सिटीज अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू स्टॉप एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम फॉर द 2023-24 एकेडमिक ईयर, फर्दर स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू टेक एडमिशन इन एमफिल प्रोग्राम, स्टूडेंट को एडवाइज किया जाता है कि वो एमफिल के अंदर एडमिशन ना ले। याद रखें स्टूडेंट, आप कहीं फंस जाते हैं धोखे से कि हाँ आपके एमफिल हो जाएगी ये वो, प्लीज एमफिल का डिसकंटिन्यूएशन हो चुका है, एमफिल मान्य नहीं है 2023-24 इस एकेडमिक ईयर से, आप एडमिशन ना लें, ठीक है ना, ध्यान रखें। और ये पब्लिक नोटिस भी आ गया है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये ट्वीट भी कर दिया है, तो प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। तो सबको ऑल द वेरी बेस्ट, इन चीजों का ध्यान रखें, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।